नमस्ते एवरीवन, ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे ओ लेवल वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हम देखेंगे हमारे कुछ स्टेप जो कि अभी बचे थे। हमारा ये वीडियो अब कंटिन्यू होने वाला है डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब जिसमें हम देखेंगे कुछ पैराग्राफ से हमारे किसी डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करना। जैसे कि अभी इससे पहले हम लोगों ने होम पर कुछ डिज़ाइन कुछ स्टाइल से सीखी थी। ये स्टाइल्स हमारी हेडिंग पर अप्लाई करते हैं हम, और ये डिज़ाइन टैब पर हमें जो डिज़ाइन मिलता है ये पूरा का पूरा हमारे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता है। इसके लिए हमारे पास कुछ मटेरियल होना चाहिए, तो चलिए उसके लिए एक पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। इस पैराग्राफ को हमें एक हेडिंग भी देनी होगी, या फिर कह दें कि एक टाइटल भी देना होगा। जैसे कि मैंने दे दिया, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो मैंने इसको कंप्यूटर लिख दिया। ओके, इस तरह से मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। ये मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए आपके पास शॉर्ट की जो है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और डिक्रीज करने की कंट्रोल शिफ्ट इसी के साथ में आप लेस देन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ये हो गया फॉन्ट साइज बड़ा। अब आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे जिस भी स्टाइल पर क्लिक करते हैं हमारे हमारा जो भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ये है जो हमने लिख रखा है ये चेंज होता चला जा रहा है। ओके, इसके लिए आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं कैसे हमें चेंजेस मिल रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाता है, या फिर फॉन्ट का कलर या फिर लुक, ये सब चीज़ें हमें यहाँ से चेंज होकर मिलती हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास यहाँ से कलर ऑप्शंस भी हैं, हम यहाँ से कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उस कलर से रिलेटेड हमको यहाँ पर टाइटल एंड हेडिंग्स एक्सेट्रा सब मिलने लगेंगे। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट के लिए भी ऑप्शन है, हम कैसा फॉन्ट चाहते हैं हम यहाँ से अपना फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने फॉन्ट चेंज किया, हम यहाँ से जो कुछ भी अप्लाई करेंगे उसी से रिलेटेड हमको ऑप्शंस यहाँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप में मिलने लगेंगे। ओके, जो कुछ हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं उसी से रिलेटेड हमको क्विकली एक्सेस के लिए मिलने लगते हैं ऑप्शंस। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ हमारे पास रिडिज़ाइन है, आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो रहा है। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं, अब हमने यहाँ पर थीम्स हमने एक सेलेक्ट की, तो इस थीम से रिलेटेड ये आपकी थीम्स हैं, इस थीम से रिलेटेड आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलने लगे कि आप किस टाइप की फॉर्मेटिंग चाहते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग की। आप पैराग्राफ का स्पेस कैसा चाहते हैं, कॉम्पैक्ट चाहते हैं, टाइट चाहते हैं, ओपन, या फिर आप रिलैक्स्ड या डबल, मीन्स आप उसका साइज जो है सेट कर सकते हैं कि आप पैराग्राफ की स्पेसिंग यानी कि उसके बीच में कितना गैप आप चाहते हैं। फिर आप देख सकते हैं आप पैराग्राफ को कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग भी आपके पास ऑप्शन है, जहां से आप क्लिक करके खुद से भी अपने अकॉर्डिंग हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी स्पेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर आपके पास एक इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन है, आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं अगर आप कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि कोई 3D इफ़ेक्ट हो गया या सब टाइटल हो गया, ऐसे करके आप यहाँ से इफ़ेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जब वहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैं आ जाते हैं हम इफेक्ट पर, यहाँ से आप इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। आपको उसी इफेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मेटिंग मिलने लगेगी। ओके, फिर सेट एज डिफ़ॉल्ट यानी वैसा ही आप करना चाहते हैं तो आप इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसे सेलेक्ट करना है, फिर आपको सेट एज डिफ़ॉल्ट करना है। ओके, इसके बाद आप जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट लिखेंगे आपको यहाँ से मिलने वाला है, तो जब भी आप यहाँ से कोई नया डॉक्यूमेंट लिखेंगे तब आपको वो डिफ़ॉल्ट में मिल जाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं वाटरमार्क की। वाटरमार्क आपको हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं।
वाटरमार्क हम अपने पेज को अपना कॉपीराइट देने के लिए या फिर बताने के लिए कि हाँ ये पेज किससे रिलेटेड है हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से सैंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे कस्टम वाटरमार्क पर जा सकते हैं। कस्टम पर जाते ही आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर आप नो वाटरमार्क चाहते हैं तो फिर आप इसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप पिक्चर वाटरमार्क पर जाएंगे, यानी कि आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं। अगर आप पिक्चर वाटरमार्क नहीं चाहते तो आप टेक्स्ट पर जाएंगे। टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास लैंग्वेज है, यानी आप इंग्लिश या हिंदी कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके पास जो भी ऑप्शन है, आपके पास अरेबिक ऑप्शन है, आपके पास अफ्रीकन ऑप्शन में है, ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेजेस आपके पास ऑप्शन में है। फिर आप यहाँ से टेक्स्ट को लिख सकते हैं, यानी जो भी टेक्स्ट आप चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ऑन टारगेट। फिर यहाँ से आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप जैसा फॉन्ट चाहें वैसा फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ से साइज इसका ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसका साइज अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। फिर डायगोनल चाहते हैं लेआउट या फिर हॉरिजॉन्टल चाहते हैं, फिर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। इस तरह से ये इंसर्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये पीछे ऑन टारगेट आ चुका है। ओके, आप यहाँ से आपके पास एक और ऑप्शन है, जैसे कि हम कस्टम वाटरमार्क पे जाते हैं। जब हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ओके, फिर आप यहाँ पर अगर आप पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं किसी, तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक वॉश आउट का। तो जब आप वॉश आउट पर आते हैं, जब आप पिक्चर सिलेक्ट करें, जब आप वॉश आउट पर आते हैं तो यहाँ से आपकी पिक्चर का लुक चेंज हो जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं पेज कलर की। पेज कलर, जैसा मैंने आपको बताया था, आपके पेज के कलर को चेंज करने के लिए आप पेज कलर का इस्तेमाल करते हैं। फिर बॉर्डर पेज, इसका इस्तेमाल करते हैं हम पेज को बॉर्डर देने के लिए, किस टाइप का बॉर्डर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप हमारा है लेआउट। लेआउट जिसमें हम पेज से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स को चेंज करने वाले हैं। जैसे कि पहले मैंने एक स्टोरी लिख दी, इसके बाद में हम अपने पेज का मार्जिन चेंज करना चाहते हैं तो अपने पेज का मार्जिन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यही जो हमारी मार्जिन स्केल यहाँ पर है, हम जैसे इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं हम ओरिएंटेशन। पेज को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप में रखना चाहते हैं, हम यहाँ से इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पेज के साइज की। आप किस टाइप का पेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका कौन आपका किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने पेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लेटर या टैबलॉइड या फिर लीगल, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, B4 या B5, एनवलप, एनवलप मोनार्क, आप कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम साइज की। फिर बात करते हैं हम कॉलम्स की। कॉलम्स में आप देख सकते हैं कि आप अपने पेज पर जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसे एक ही कॉलम में चाहते हैं या फिर आप उसको दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स में चाहते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल हम वन कॉलम पर वर्क कर रहे हैं, हम इसको टू में भी कर सकते हैं। जैसे एक यहाँ है, दूसरा हमारा इधर होगा। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास थ्री कॉलम से हम डिवाइड कर सकते हैं। थ्री कॉलम्स के अलावा हमारे पास यहाँ पर कि हम लेफ्ट में कॉलम होगा और राइट में एक्सप्लेनेशन होगा, कुछ ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह ऑप्शन है, राइट में कॉलम होगा एंड लेफ्ट में हमारे पास एक्सप्लेन होगा। इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर मोर कॉलम्स के भी ऑप्शन है, आप इसको प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। बात करते हैं हम ब्रेक की। यहाँ से ब्रेक, ये हमारे पेज को ब्रेक करने का काम करता है या फिर हमारे कॉलम को ब्रेक करने का या हमारे टेक्स्ट रैपिंग को ब्रेक करने का। हम पेज में कहीं भी कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कहीं से कोई ब्रेकिंग करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पेज चाहते हैं या फिर पेज को ब्रेक करना चाहते हैं या फिर हम दो एक जैसे पेज इवन पेज को एक साथ करना चाहते हैं या फिर ऑड पेज को एक साथ करना चाहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द टेक्स्ट इवन नंबर्ड पेज। ओके, इस तरह से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करते हैं लाइन नंबर्स की। आप यहाँ से लाइन नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने कितनी लाइन पर वर्क किया है। ये देखिए, आप यहाँ से लाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप रिस्टार्ट ईच सेक्शन कर सकते हैं, यानी कि हर सेक्शन जब आप वर्क करेंगे तो आपके पास जहाँ से भी आपका सेक्शन चेंज होगा, मीन्स आप नए पेज पर जाएंगे, वहाँ से आपकी नंबरिंग रीस्टार्ट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं हाइफनेशन की, तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया यू कैन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल, यहाँ से हम नॉर्मल कर लेते हैं एक बार थीम को, अपनी डिज़ाइन में जा करके हम अपनी थीम को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया ऑफिस, यहाँ से हम फॉन्ट पर आए, हमने फॉन्ट चेंज किया था, यहाँ से हम फॉन्ट एक बार फिर से चेंज करेंगे। ये हमने फॉन्ट को चेंज किया, ओके। अब हम आ जाते हैं फिर से लेआउट पर। अब आपको बताते हैं कैसे हम हमारे लेआउट को चेंज, कैसे हम हाइफनेशन का इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा, आप जब अपनी कॉपी पर वर्क करते हैं तो क्या होता है कि लास्ट में आपके पास, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया और आपके पास स्पेस कम है, तो आप क्या करते हैं, डैश लगा के नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, अगर वो वर्ड या वो लेटर आपके उसी पहले वाले लेटर से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने लिख दिया, मान लिया ये पेस्ट, यहाँ से हम हटा देते हैं, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, थोड़ी सी मार्जिन बढ़ा लें, यू कैन पेस्ट। अब ये पेस्ट, जैसे कि मैं यहाँ से मार्जिन अगर कम कर दूँ, फिर मैं यहाँ से ये पेस्ट जो है मैं ऐसे इस्तेमाल कर दूँ, तो मैं क्या करूँगी, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डैश लगा के ताकि हम बता सकें जिससे कि ये जो हमारा TE स्पेलिंग है ये हमारी किससे रिलेटेड है, ये प्रीवियस हमारी स्पेलिंग से, मीन्स ये टोटल एक ही है, ओके। तो इस तरह से बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाइफनेशन का। अगर हम इसको ऑटोमेटिक कर दें तो देखिए आपके पास जहाँ कहीं भी आपके पास स्पेस थे, ये देखिए गैलरी को इसने क्या किया, डैश लगा के रिलेटेड कर दिया। अभी क्या था, ये ऑटोमेटिक आपका आपके मार्जिन से अलग हट करके सेट हो चुका था। अब इसने मार्जिन के अकॉर्डिंग डैश लगा के उसको वहीं पर सेट कर दिया। आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं ऑटोमेटिक, या फिर मैनुअल आप करना चाहते हैं, आपके पास कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। बात करते हैं हम इंडेंट की। इंडेंट आप लेफ्ट साइड से कितना चाहते हैं स्पेस, या फिर आप राइट साइड से कितना स्पेस चाहते हैं, आप देख रहे हैं आपका जो इंडेंट है यहाँ से बढ़ रहा है, या फिर आपका इंडेंट यहाँ से लेफ्ट या राइट में घट रहा है, ओके। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं आपकी मार्जिन स्केल का साइज जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। फिर हम स्पेसिंग की बात करते हैं। स्पेसिंग को हमारे इधर हमारी जो लेफ्ट साइड में मार्जिन स्केल है ये मैनेज करती है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेसिंग हमारे पैराग्राफ की कैसे चेंज हो रही है, बिफोर में कैसी चाहिए, आफ्टर में कैसी चाहिए, मीन्स पैराग्राफ के पहले कैसी चाहिए थी, पैराग्राफ के बाद में कैसी चाहिए, जिस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करेंगे उसी पैराग्राफ के बाद की स्पेसिंग हमारी चेंज होगी। हमने कर्सर यहाँ रख दिया लास्ट सेकेंड पैराग्राफ पे। अब अगर हम आफ्टर की चेंज करना चाहते हैं स्पेसिंग, तो आप देख रहे हैं लास्ट पैराग्राफ की स्पेस चेंज हो रहा है, ओके। इस तरह से हम इसकी स्पेसिंग को चेंज करते हैं। फिर आपके पास ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट एंड ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये ऑप्शंस अगर आप किसी इमेज का इस्तेमाल करते हैं, किसी पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं, तब आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पोजीशन आपकी, जैसे कि आपने किसी इमेज को सेलेक्ट किया तो आप उसकी पोजीशन कहाँ चाहते हैं, आप उसको लेफ्ट टॉप पे चाहते हैं, फिर लेफ्ट आप सेंटर में चाहते हैं, फिर लेफ्ट बॉटम में चाहते हैं, या फिर आप उसको टॉप बॉटम पे चाहते हैं, या फिर आप उसको टॉप सेंटर पे चाहते हैं, या फिर आप उसको टॉप पर चाहते हैं, आप इस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप राइट में चाहते हैं, पिक्चर का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का मतलब है आप टेक्स्ट को रैपिंग दे सकते हैं, यानी कि आपकी जो भी इमेज है आप उस इमेज के साथ साथ आप टेक्स्ट को शो कराना चाहते हैं, या फिर टेक्स्ट आप चाहते हैं कि आपकी इमेज के पीछे हाइड हो जाए, या फिर इमेज टेक्स्ट के पीछे हाइड हो जाए, ऐसा कुछ अगर आप करना चाहते हैं
तो वो आप यहाँ से रैपिंग कर सकते हैं। ये आप ऑप्शन तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप किसी इमेज का इस्तेमाल करेंगे। हम ऑलरेडी इस चीज़ को यहाँ पर सीख चुके हैं। ओके, हम यहाँ पर इस चीज़ को ऑलरेडी सीख चुके हैं रैपिंग में, जब हमने यहाँ पे फॉर्मेट का इस्तेमाल किया था, जब हमने यहाँ से इंसर्ट में किसी पिक्चर को इंसर्ट कराया था, तब हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर चुके हैं। ओके, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारे सिलेक्शन पेन की। सिलेक्शन पेन यानी कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कोई एक लिस्ट है आपके पास। जैसे कि आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, आपने टेबल इस्तेमाल किया, आपने पिक्चर इस्तेमाल किया है, आपने कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए हैं, उन सबको देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हम अगर अलाइनमेंट की बात करें कि वही अलाइनमेंट आप लेफ्ट से चाहते हैं या फिर सेंटर से चाहते हैं, फिर बॉटम से चाहते हैं या फिर राइट से चाहते हैं, आप अलाइनमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रेफरेंस की। रेफरेंस टैब जिसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें याद करना होगा हमारी जो बुक्स होती थी, हमारी बुक के पहले हमें एक इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स जिसमें पता चलता है उस पेज पे देख करके कि हमारी इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं या फिर उस बुक का कंटेंट क्या है। एक वन व्यू मिलता है हमें, तो एक उस ओवरव्यू को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेंट पहले ही तैयार कर लेते हैं जिससे कि आसानी से हम पूरी बुक को पढ़े बिना भी जान सकें किससे रिलेटेड है। ओके, तो बस उसी कंटेंट को तैयार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक कुछ पैराग्राफ होने चाहिए। चलिए पैराग्राफ लिख लेते हैं। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेती हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। इसके बाद में हमने पैराग्राफ इंसर्ट करा लिए। अब हम इन पैराग्राफ्स को हेडिंग्स दे देते हैं। जैसे कि मैंने ये पहले पहले आपके जो कुछ वर्ड्स हैं मैंने इनको हेडिंग बना दिए। फॉर एग्जांपल ये हमारी हेडिंग्स हैं। इस तरह से हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पर हम जाएंगे, सॉरी, हमें टेबल ऑफ कंटेंट करने से पहले हमारी हेडिंग्स को हेडिंग बनाना होगा। जैसे कि हम होम पर गए, होम पर जाकर के हमें कोई एक हेडिंग सेलेक्ट करनी है कि किस टाइप की हेडिंग है। ओके, अब जब हमने इसको हेडिंग बना दिया है, बिल्कुल ऐसे ही हमें दूसरे हेडिंग्स को भी हेडिंग्स में चेंज करना है जिससे कि वो जान सके कि हमारा जो कंटेंट है उसकी हेडिंग्स क्या है। यानी कि आप चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो जब आपको पता होगा कि जो चैप्टर्स नेम है वही आपके कंटेंट में मिलते हैं, तो कंटेंट को यहाँ पर बनाने के लिए हमारे पास चैप्टर को नाम देना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार हम नाम दे लेते हैं। जैसे कि मैंने ये इसको हेडिंग्स में चेंज कर दिया। इसके बाद अब वापस हम आ जाते हैं हमारे रेफरेंस टैब पर। यहाँ से हम टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट ऑब्वियस सी बात है ये अगर इंडेक्स है तो फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम एक पेज इंसर्ट करा लेते हैं कंट्रोल एंटर से। अब हम आ जाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पर। हमने इसको सिलेक्ट किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जो कि रेफरेंस मेडिंग्स रिव्यू व्यू। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आप हमसे जुड़ सकें और अपने कोर्स की पूरी तैयारी कर सकें। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट में जा करके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमारे पास कॉन्टेक्ट करने के दूसरे भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।